गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हुआ सुबह के 8 ओवर में हो गया रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। बाकी रेडी हो चुका हूँ और सबसे बड़ी बात है तार आ गई घर, मतलब 8 बजते तार आ गई। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी मैं चलता हूँ हॉस्पिटल के लिए और जाके देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, और मिलते हैं आपको हॉस्पिटल पहुँच के। मिलते हैं स्पेशल लड़की को, टेडी बियर लेके आई और पैरों में चप्पल नहीं कुछ नहीं, बस आ ली है भाई। तारू चल लियो चाचा के साथ, क्या देख रही है भाई बताओगे कुछ बेटा, क्या देख रहा बताएगा, जाऊ मैं चलेगी। ये तो कुछ बोल नहीं रही अभी, मूड सही नहीं है, बस घूम रही है। तो चलो घूमने तो मूड सही हो जाएगा इसका, तो मिलते हैं शाम को। चलो तो ऐसा करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं और तब मिलूंगा आपका अहमदाबाद पहुँच के। मैं पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल, बाकी एमरजेंसी गेट से एंट्री करना है, बाकी दिल्ली में एमरजेंसी गेट से ही एंट्री करूँ। बाकी अंदर जाके देखते क्या चल रहा है क्या नहीं, स्टाफ विस्टाफ पेशेंट वगैरह से मिलते और उसके बाद फिर वो आपको तब मिलेंगे जी। मैं हो गया हॉस्पिटल से जी, अब चलते हैं मार्केट में और देखते किधर जाना किधर नहीं। बाकी दो जल्दी रह लिए पीने के लिए, कुल पी लेंगे और मिलते हैं आपको बाद में। चलो करते हैं मार्केट। मैं आ गया था यहाँ पे खतरला कबीरपुर, तो सोएब साथ में मिले तो उसके साथ मार्केटिंग चल रही है। बाकी चलो सही है, करते हैं अपना आराम से, क्योंकि बाइक आ मेरे घर में खड़ी है, मेरे क्या कि बाइक यहीं खड़ी कर दो, मैं थोड़ा दो चार लोगों से वैसे मिलवा देता हूँ। तो कोई नहीं, मिलते हैं अपना आराम से मिलते हैं तो, और उसके बाद देखते कब तक फ्री होते कब तक नहीं। बाकी तारीख सर आमिर देखो क्या ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। चलो ऐसे ही करते हैं, अभी बस फ्री हो लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मिलेंगे आपको बाद में। मैं हो चुका हूँ मार्केट से फ्री, बाकी तारीख सर आ गए तो बस चलते नहीं लोड नहीं, बाकी फ्री होगी। चलो अब चलते हैं हॉस्पिटल और जाके देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी हॉस्पिटल जाके बताता हूँ आज हम गए कहाँ थे क्या करा क्या नहीं। चलो हॉस्पिटल पहुँचते फिर मिलते हैं। मैं पहुँच गया हॉस्पिटल, अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। जी सर हाँ, 4:30 बज गए तो चलो देखते हैं अंदर चल के क्या चल रहा है क्या नहीं। आज बहुत लेट हो गया आने में, काम बहुत था। चलो कोई नहीं मिल जी। मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, बाकी मैं गया था खतौल्ला कबीरपुर मांडी हरसोली बरवाड़ा की तरफ, तो इन सब घूम के आए, वहाँ पे गए थे तो बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रूटीन था, बड़े बिजी बड़े थे तो आज टाइम ज़्यादा लग गया। कोई नहीं चलो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सही चल रहा है। बाकी कोई नहीं, कल है 15 तारीख को और कल है सिसोली में कैंप, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी एक्टिव दे रहेगा। चलो देखते हैं फिर भी कैसे रहता है कैसे रहेगा हम तो देख लेंगे। बाकी सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत देर में घर के लिए निकले, हम इसकी कॉल पे थी कि आ जा, तो देखते कितनी देर में घर के लिए निकलते क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा बिजी वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे भी, तो देखते हैं यहाँ से फ्री होते हैं तब निकलते हैं। कोई नहीं करते तब तक थोड़ा वेट और फिर चलेंगे घर के लिए। बाकी सोएब से मिले थे कल, उसके भतीजे एक्सपायर हो गया था तो उससे मिले थे, वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बड़े से कह रहा था कि आज या कल में आ जाएगा ड्यूटी, मैं चल जैसे तेरी मर्जी आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिलहाल बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं आ गया हॉस्पिटल, भाई साहब पूछो ना हॉस्पिटल आने बाद कितना बिजी थे, चक्कर आ के भाई इतना बिजी हो जा भाई पता नहीं लगता, बस ज़बरदस्ती निकल के आया कोई दिक्कत नहीं। बाकी काम ही थे सारे उठे पड़े थे बहुत सारे, बाकी चलो कोई नहीं ऐसा करते हैं थोड़ी देर आराम करते फिर वामी स्वामी से कॉल करके चलेंगे बार बार घूमने, देखते क्या करते क्या नहीं, फिलहाल रेस्ट करते आराम से। तो जी मैं खाना वाना खा के नीचे आके बैठ गया, बाकी वामी से बिस आ गए, नंबरदार साहब आ गए ब्लॉगर, ये आया अभी थोड़ी देर पहले, हाथ ही कॉल बिजी था तो अभी आया, देखते पर अब तो देर हो गए कहाँ जाएंगे क्या करें, कुछ समझ से बाहर आ रहा है। आज तो ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ यार वामी से, अरमान कहाँ है कुछ नहीं कर सकते यार क्या करें, बस कल के कैंप की तैयारी करते, जितना बन गया बस कुछ नहीं कर सकते, देखते ठंडा वंडा पी के आएंगे, गए तो बाहर वरना कल के कैंप की तैयारी करते, कुछ स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह लगानी है तो वो लगा दिए। चलो कोई नहीं, मैं आ गया था घर, मतलब घर गया बाहर को निकल के, और ये देखो इस सुअर को क्या कर रहा है, एक तो दुकानदार इसकी दुकान में है कुछ नहीं बस धूल, देखो कितनी, अरे ये सुअर देख कैसे कैसे चल रहा है युद्ध, कैसे युद्ध चल रहा है इनका,
कुछ नहीं कह सकता मैं, इनका टाइम खराब आ रहा है इतना इतनी कॉल फॉर मोहित साइलेंट कॉल आ रही है मोहित एंड आयुषु। चलो कोई नहीं भी करेंगे बाकी सानो आज। अबे बस कर पीटने वाले थे टाइम सही भी है सीधा कह के तू चल बे चल सुअर कहाँ चलना है ज़्यादा बड़ा अंग्रेज हो रहा होगा दिखे कर चल बारे को हम आइसक्रीम का आइसक्रीम तो खाना नहीं पर पानी देखो कितना भरा पड़ा कितनी गंदगी मच्छी पड़ी यो खड़ा है और ये खड़ा फौजी ये तो यहाँ बैठे सारे के सारे बक्की क्या करे पहलवान पहलवान यार इसे साफ कर लो तो कम से रास्ता तो हो जाए यार क्यों कुछ कर ले करो। हाँ भाई वो फौजी यार वहां भी हटा दे यार अग्गे से हटा दे वहां हटा दे वहां से हटा दे वहां से हटा रहा क्या यहाँ से कुछ नहीं होने का वहाँ से हटा वहाँ से चलो भाई खा ले देखो क्या बस मैं मास्टर सारा खराब पड़ा कुछ नहीं कह सकते इनका कुछ नहीं हो सकता भाई क्या कहते हैं भाई हो रही है बस रास्ता ही नहीं जाने का बस वापस ये तो घूम कर जाओ ये पानी में कुछ जाने तो रहे हम तो जाने घूम कर चलते हो जब देखे कुछ है या नहीं जी आ गए हम ठंडा पिंड एक सुवरिया बैठा। हाँ भाई ओ थम्सअप इससे तो मिले नहीं होगा आज लो आदिल इसकी हमारी बहुत सोनी इसकी बहुत लंबी कहानी किसी दिन तसल्ली से बैठ के बताएंगे पर यह है कि कितनी कि बेस्ट फ्रेंडों में गिनती जिसकी होती है उनमें से एक जबरदस्त वाला फ्रेंड है। हाँ तो दो तीन ही है गाँव में तो गाँव में खास तो एक तो आरिफ हुआ एक आदिल हुआ एक दो और है बाकी और तो इनसे कोई खास नहीं है या फिर दिल्ली मोहसिन है पर सही है जो भी है सब बढ़िया है मस्त कोई दिक्कत नहीं बढ़िया है फिलहाल इसके बारे में आराम से बैठ के बाद में बताएंगे। फिलहाल बताओ और कुछ क्या लेना जो तू मंगा था मटर मंगा ले मटर मंगा ले कुछ और मंगा ले खत्ते और उसके बाद मिलेंगे। लो जी देखो इसे खा पी के किस तरह कर रहा है हमारे पेट में भी सांस नहीं आ रहे क्यों ऐसा इतना क्यों खा लिया भाई तन्ने इतना क्यों खा लिया केकड़ा केकड़ा कहाँ से आया। अब इसके साथ सीन ऐसे हुआ है मैं कुछ नहीं कह सकता अभी एक भाई था कपूरगढ़ का वो मिल गया मैं वो तो वैसे पूछ रहा भाई ये होता ऐसा हो क्या रहा ये क्यों मरण को रहा इसके हाथ हड्डी कहाँ है मैं भाई कुछ नहीं कह सकते अब इसका टाइम पूरा हो लिया दिखे कमजोरी कमजोर होता है कह रहा यार इसे खाने पीने पर ध्यान दो मैं वो आगे भी भाई होड हो या ना हो पर तेरे शरीर में लगता कुछ नहीं तो इसलिए भाई तुझे स्पेशल में कुछ अपने लिए करना चाहिए बाकी हम बाहर गए तो ठंडा वंडा पी के आगे बाकी सबसे मिल लिए कोई दिक्कत नहीं तो चलो अब ऐसा करते इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बाय।